Hi kids, how are you all? I hope you are doing good. So today again I am back with a new lesson of your book. That is Literary Journeys and English Reader for Class 8 by Brainroot Publications. Children, so far we have completed 7 chapters and today we shall begin with chapter number 8, that is Waste Technology. See children, with the increasing population, it's very important that we preserve the resources. ठीक है, अभी क्या होता जा रहा है, population बढ़ती जा रही है लेकिन resources limited होते जा रहे हैं, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो आगे वाली generations को कई resources शायद पता ही नहीं चलेंगी, right? तो इसीलिए हम हमेशा sustainable development की बात करते हैं कि जो resources available हैं उसको हम उतना ही use करें जितना हमें ज़रूरत है और वेस्ट को मैनेज कर सकें. ठीक है, तो आज हम एक ऐसा ही चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल करके हम अपने एनवायरनमेंट को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपने रिसोर्सेज को भी सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. वार्मिंग अप, आवर एनवायरनमेंट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग हार्म्ड बाय वेरियस हैज़ार्डस मटीरियल्स. Look at the pictures and discuss which of these are dangerous for the environment. यहाँ पे कुछ pictures दी हुई हैं. We have to find out which of these elements are harmful for our environment. So if we see, the first is a poly bag. So yes, it is harmful. This is a poly bag. So this is harmful. Then second one is a thermocol plate. This is also harmful to certain extent. It is also harmful, but at least इससे थोड़ा कम है. ठीक है, देन वी हैव दीज प्लास्टिक स्ट्रॉज, अगेन दीज आर हार्मफुल. देन वी हैव अ क्लॉथ बैग, दिस इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल, दिस इज़ वेरी इको फ्रेंडली एंड यूजफुल. देन वी हैव अ बैम्बू बास्केट, दिस इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली. वी हैव पेपर बैग, दैट इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली. देन वी हैव दिस फ्यूम्स एंड फायर्स एट्सेट्रा, दिस इज़ समथिंग, इट कॉजेज पॉल्यूशन डेफिनेटली. एंड लास्टली वी हैव दिस अर्दन पॉट्स which are again eco-friendly. So these plastic bags, thermocols, straws, etc., these are not good. Even the fuel used for burning fire like kerosene, diesel, they are also at times harmful for our environment. Now discuss some alternative methods to prevent environmental degradation. हमें कुछ ऐसे मेथड्स सजेस्ट करने हैं जिनसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकें, यानी हमारी प्रकृति या हमारे आसपास की जो जगह है उसको नुकसान होने से बचा सकें. तो ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, तो सोचिए और सोच के क्लास में डिस्कस कीजिए. आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. रिसाइकलिंग वेस्ट नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो बेनिफिट्स द एनवायरमेंट. देखो, अगर वेस्ट को हम रिसाइकल करेंगे, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करेंगे चीज़ों को, तो हमारा पैसा तो बचेगा ही और साथ ही में ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान होने से बचाएगा. बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन कॉज्ड बाय द बर्निंग वेस्ट एंड कंजर्विंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइकलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन. यानी कि अगर हम बर्निंग वेस्ट को कम कर दें या फिर इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दे ताकि हमारा वेस्टेज मिनिमम हो, तो फिर हम एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मेनी कंट्रीज एक्टिवली प्रमोट रिसाइकलिंग एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव मेड इट पॉसिबल टू रीयूज मोर टाइप्स ऑफ वेस्ट. कॉमनली रिसाइकलेबल मटीरियल्स इंक्लूड पेपर, मेटल, ग्लास एंड इवन प्लास्टिक. आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई सारी तकनीकें ऐसी आ गई हैं कि हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं. आमतौर पे जिन चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है वो है पेपर, मेटल्स, ग्लास और इवन कुछ तरह के प्लास्टिक्स को भी आजकल रिसाइकल किया जा रहा है. नोटेबली पेपर कॉन्स्टिट्यूट्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेस्ट, यानी पेपर वर्ल्ड का टोटल जो वेस्ट है उसका आधा वेस्ट पेपर से ही आता है. टू मीट द डिमांड many countries import waste paper rather than using new pulp for their paper mills. और इस समस्या को देखते हुए कई countries ऐसी हैं जो environmental friendly policies को अपना रही हैं. ऐसी countries अपना नया paper pulp use करने की जगह दूसरी countries में से waste papers मंगवा लेती हैं
और फिर उनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके न्यू एंड फ्रेश पेपर बनाती हैं। द रिसाइकलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स पल्पिंग द वेस्ट, क्लीनिंग इट एंड ब्लीचिंग इट टू रिमूव इंक एंड डर्ट। और इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, वेस्ट पेपर को मंगवाते हैं, फिर उसका एक पेस्ट बनाते हैं केमिकल्स के साथ मिला के, एक पल्प जैसा तैयार हो जाता है। फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव करने के बाद उसको ब्लीचिंग करते हैं और उसमें से इंक और डर्ट निकाल के क्लीन पेपर निकाला जाता है। मेटल्स आर रिसाइकल्ड इनटू न्यू स्टील एंड अदर मेटल्स। अ न्यू कार टुडे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्लियर कार्स दैट हैव बीन स्क्रेप्ड एंड टर्न इनटू स्टील शीट्स। आजकल जो हम लेटेस्ट कार्स देखते हैं उनमें कई कार्स में ऐसा होता है कि जो पुरानी कार्स थी उनके जो मेटल्स थे उनको रीयूज करके नई कार को बनाया गया है या डेवलप किया गया है। एल्यूमिनियम इज़ वर्थ रिसाइकलिंग बिकॉज एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम बॉक्साइट कंज्यूम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंस मोस्ट एल्यूमिनियम टुडे इज रिसाइकल्ड, द एनर्जी यूज टू मेक एल्यूमिनियम हैड फॉलन बाई क्वार्टर्स सिंस द अर्ली 1970s। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसको बॉक्साइट, जो उसका ओर है, उससे एक्सट्रैक्ट करने में यानी उससे निकालने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। इसीलिए मोस्टली आजकल क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है उसके वेस्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर दिया है। रिसाइकलिंग ग्लास इज़ हाईली वर्थ वाइल। द बेस्ट अप्रोच इज़ टू रीयूज ग्लास बॉटल्स एज मच एज वी कैन। और ये हम आमतौर पे घरों में भी करते हैं, जैसे जैम की शीशी है, केचप की बॉटल्स हैं, या कोई भी ग्लास बॉटल है उसको धो के अच्छे से क्लीन करके वी कैन यूज़ इट फॉर स्टोरिंग अदर थिंग्स, राइट? सो दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज ग्लास में चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। हाँ, थोड़ा ध्यान से हैंडल करना ज़रूरी है ताकि सेफ रहें आप, लेकिन अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टोरेज पर्पसेस। ब्रोकन ग्लास नोन एज कलेट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। इट मे इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज बॉटल बैंक्स आर अवेलेबल फॉर पीपल्स टू डिपॉजिट देयर यूज्ड बॉटल्स, रिसाइकलिंग ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन। कलेट्स ऑफ मिक्सड कलर्स आर टिपिकली ओनली सुटेबल फॉर मेकिंग ग्रीन ग्लास। ब्रोकन ग्लास कैन बी रीमेल्टेड इन फर्नेस एंड ईजिली शेप्ड इन टू न्यू बॉटल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इवन ग्लास को रिसाइकल करना भी बहुत आसान है और काफ़ी कंट्रीज़ इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ब्रोकन ग्लास के जो पीसेज होते हैं उसको हम कल्ट बोलते हैं, कलेट्स, ठीक है, उसको हम कलेट्स बोलते हैं। और इन कलेट्स को बेसिकली क्या करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इन्हें कलेक्ट करने के बाद फर्नेस यानी जो हमारा चूल्हा है, भट्टी है, उसमें डाल दिया जाता है, जहाँ ये ग्लास वापस से इनको पिघला दिया जाता है। और पिघलाने के बाद जब ये मॉल्टन स्टेट में यानी पिघली हुई स्टेट में आ जाती है तब इनको फिर से नए शेप्स दिए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक ऑन द अदर हैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मटेरियल्स टू रिसाइकल ड्यू टू इट्स मेनी वराइटीज़। और यहीं अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सबसे चैलेंजिंग मटेरियल्स में से आता है जिसको रिसाइकल करना अपने आप में एक चैलेंज है। सम प्लास्टिक बॉटल्स फॉर एग्जाम्पल आर मेड ऑफ 6 लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ईच डिज़ाइन टू गिव द बॉटल स्पेसिफिक एंड फ्लेक्सीबिलिटी। एज ऑफ नाउ देर इज़ नो सिंपल मेथड टू ट्रांसफॉर्म एन ओल्ड प्लास्टिक बॉटल इन टू अ न्यू वन। कई बार प्लास्टिक्स में 3-4 तरह की या उससे ज़्यादा 5-6 टाइप के प्लास्टिक्स के लेयर्स यूज होते हैं जिनको पूरी तरह से कम्प्लीटली रिसाइकल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज भी एक पुरानी प्लास्टिक के बॉटल को बिल्कुल नया नहीं बनाया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली रिसाइकल प्लास्टिक कैन यूजली ओनली बी टर्न इन टू लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस प्लास्टिक माइट बी क्लीन्ड, कट इन टू टाइनी पीसेज एंड यूज फॉर स्टफ शीट कुशंस, एंड मिक्स प्लास्टिक वेस्ट कुड बी रिसाइकल्ड इन टू ड्यूरेबल प्लास्टिक टिम्बर फॉर फेंसिंग। यानी अभी तक थोड़ा बहुत जो हो सकता है या तो हम कुशंस, सीट कुशंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्स प्लास्टिक को रिसाइकल करके टिम्बर के थ्रू फेंस होता है ना बाहर का, उसे तैयार किया जा सकता है। सो इफ़ वी अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल देन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर एम्स एट प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, ठीक है। एंड सेकेंडली द चैप्टर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी ईजीली रिसाइकल्ड एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर हार्ड टू रिसाइकल, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी शुड ऑलवेज यूज़ द रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस वे सो दैट
we also can use the resources properly, and the resources are also left for our future generations to come. Okay, so now let's go through the word meanings. First one, recycling means converting waste into reusable material, yani waste product se koi useful product bana lena. Waste means something which is trash ya jiska koi kaam na ho, worthless material. Extracting means obtaining something from some other thing. Durable means something which is long lasting, jo bahut dino tak tika reh sake ya theek reh sake. Advancement means improvement or to step forward, yani ek star bad jana. Promote means to encourage something, kisi cheez ko badhava dena. Collect means recycled broken or waste glass. Glass making में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पुराने glass के, उसको हम collects बोलते हैं. Flexibility means the ability to bend or break easily. Clear? अब वक्त है exercise करने का, तो शुरू करते हैं. Let's get started. All right. So let's get started. The first one is multiple choice question. First one, rubbish that can be recycled is paper, glass, both A and B, fruit peels. So वो, so we will take option number C, both A and B, because paper and glass both can be recycled into useful materials. Okay. Second one, plastic is one of the most dash substances to recycle, easiest, interesting, funny, difficult. So difficult. It is most difficult to recycle. यहाँ तक कि कुछ plastics को तो completely recycle किया ही नहीं जा सकता. Third one, plastic scrap can be changed into a dash quality product, high, prominent, lower, superior. So into a lower quality product कर सकते हैं, ठीक है, clear? आगे बढ़ते हैं. Fourth one, when the waste is cleaned, dash are removed too. Waste को जब clean किया जाता है, gold and silver, ink and dirt, pencil and eraser, मेटल एंड ग्लास. सो इंक एंड डर्ट, पेपर पल्प के वेस्ट को जब हम क्लीन करते हैं तो इंक और डर्ट रिमूव कर देते हैं. फिफ्थ वन, व्हाट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच फॉर रिसाइकलिंग ग्लास, मेल्टिंग इट डाउट इमीडिएटली, रीयूजिंग द ग्लास बॉटल्स एज मच एज पॉसिबल, मिक्सिंग इट विद प्लास्टिक, डिस्पोजिंग ऑफ इट्स इन द लैंडफिल. सो बी पार्ट, यूजिंग इट एज मच एज पॉसिबल, यानी जितना हो सके उसको रीयूज करें. What's a collect, a type of plastic, a color of glass, broken glass that can be recycled, a method of recycling bottle. So C part is right, broken glass pieces which can be recycled. Okay, now we have to do the fill in the blanks, so let's get started. Fill in the blanks karte hain. First one, dash and dash are into new steel and other metals. So dash are recycled, aluminium, or you can say normal metals are recycled. So metals are recycled, hum simply metals kar dete hain kyunki tarah tarah ke metals ko hum recycle karte hain. So metals are recycled, clear? Metals are recycled. Glass is worth recycling or worth reusing, both are cleared. Reusing or recycling. Dash of mixed colors can be used only to make green glass. Collects. Bottle banks depend on dash. Goodwill. Fifth, mixture plastic waste is recycled into plastic bottles. Clear? Now let's do true and false. First one, recycling waste helps environment. Yes, it helps. Bilkul, so this is true. Second, many countries encourage recycling. Yes, this is again true. Half of the world's waste consists of plastics. No, half of the world's waste consists of paper. This is false. Metals are recycled into new steel and other metals. Yes, true. Aluminium is not worth recycling. Yes, it is also true.
Broken glass is known as collect true. Aluminium is worth recycling काफ़ी हद तक, because अगर हम इसे reuse करेंगे तो ही उसका 70% भाग जो है वो वेस्ट जो ये होगा, तो दिस इज़ फॉल्स. ओके, फिफ्थ वन इज़ फॉल्स, सिक्स्थ वन इज़ ट्रू. सो विथ दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन. आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल द आंसर्स. सो विथ दिस वी फिनिश अनदर चैप्टर ऑफ योर बुक लिटरेरी जर्नीज फॉर क्लास 8. ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ 3 R's, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. And you would also try to reuse and reduce as much as possible to protect the environment. So children, I will meet you again soon with a new chapter where again we would learn something interesting and innovative. Till that time, stay tuned for the new video. Bye bye and take care.